Now let's see exercise 2.2 here. Look at your book. 1,32,423 plus 2,35,347 equal to 2,35,347 plus. देखिए यहाँ जो ये नंबर है इसको कहते हैं एडेंड, ये भी एडेंड, तो यही नंबर यहाँ भी है, तो इनका जो सम होगा कुछ भी आएगा इसका सम, तो इसमें हम क्या ऐड करें कि इसका भी सम वही हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिसिंग नंबर क्या है, ये नंबर यहाँ पे है, ये नंबर मिसिंग है, तो फिल इन द ब्लैंक में यही नंबर आपका यहाँ पे आके फिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3,73,543 प्लस जीरो, किसी नंबर में जीरो ऐड करने पे क्या आता है, यही नंबर आ जाएगा, सेम नंबर, तो यही उठा के सेम नंबर आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। इसको देखिए 3,42,627, यहाँ भी है 3,42,627, तो इसमें क्या ऐड करें कि वही नंबर रह जाए, तो किसी नंबर में जीरो ऐड करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, जीरो, यहाँ पे आप जीरो फिल कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से डी वाला है और यहाँ पे आपका ई है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक है, फिल करिएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू आप देखिए, टू का ए, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ सेकंड ए, ठीक है, 22,457 प्लस 27,456, यहाँ पे लिखा है कॉमा ऐसे करके, 27,456 प्लस 22,457, दोनों इसको देखिए, ये दोनों सेम डिजिट हैं, ठीक है, ये दोनों आपके सेम डिजिट हैं, बात आपको समझ में आ रही होगी, ये आपका सेम डिजिट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो ये कह रहा है कि दोनों को ऐड किया जाए या डिजिट को चेंज कर दिया जाए, यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी देखी हुई, ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, किसी डिजिट को चेंज कर दें हम, ठीक है, तो क्या कोई डिफरेंस आएगा, आइए ऐड करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। 2,24,57, 2,7,456, 7,6,13, हियर 3, कैरी 1,5,5,10 and 1,11, कैरी 1,4,4,8 and 1,9, 7,2,9, हियर 2+2,4, आइए इसको ऐड करते हैं, यहाँ पे 2,7,4,5,6, 2,2,4,5,7, वही सेम डिजिट है, बस ऊपर नीचे चेंज कर दिया गया, 7 and 6, 13, 3, कैरी 1,5,5,10 and 1,11, कैरी 1,4,4,8, 8 and 1, 9, 7 to 9 and 2+2,4, देखिए दोनों सेम आया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही कह रहा है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड द फॉलोइंग एंड कंपेयर द सम, तो दोनों को ऐड करिए एंड सम को कंपेयर करना है, तो बोथ आर इक्वल, क्या है, इक्वल, कोई भी चेंजेस नहीं है। इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चन हैं आप बुक में देखिए, इसको यहाँ पे बी सी डी इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, दोनों टर्म को ऐड करिएगा अलग अलग करके, दोनों साइड को, दोनों का सम देख लीजिएगा क्या वो सेम आता है कि नहीं, होमवर्क अब आप नोट कर लीजिए, कंप्लीट एक्सरसाइज 2.2। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।